हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सभी होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे फ्रेंड तो जी आज का जो दिन है वो है संडे माफ़ कीजिएगा खासी मेरा जब भी वॉइसवर करती हूँ तो खासी शुरू हो जाता है तो जी आज का दिन है संडे सुबह उठी हूँ फ्रेश रेश होकर यहाँ पे मैं ब्रश कर रही थी और आ, मैं आपको बताऊँ कि संडे तो है बट मैं फ्री नहीं हूँ संडे के दिन सिर्फ निशांक से थोड़ा फ्री रहती हूँ कि उसका स्कूल जो है वो संडे को टेंशन नहीं रहता है लेकिन हस्बैंड को तो ऑफिस जाना ही है उनको तो काम जो है वो करना ही है है कि नहीं तो इसी वजह से काम तो मेरा है ही पूरा का पूरा लेकिन मैं ना आज थोड़ा सा रात में ना कल रात में नींद जो है ना मुझे बिल्कुल अच्छे से नींद नहीं आया रात को लगभग साढ़े तीन चार बजे करीब में मुझे नींद आया और ये प्रॉब्लम मेरे साथ दो दिन से ही हो रहा है पता नहीं क्या ही हो गया रात में नींद ही नहीं आता या तो मैं दिन में सो जा रही हूँ एक डेढ़ घंटे इस वजह से नींद नहीं आ रहा है तो मैं नहीं सोऊंगी तो रिशांक नहीं सोता है तो ये थोड़ी सी परेशानी वाली बातें हैं सो so, अभी मैं उठी हूँ और आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा धूप भी जो है वो निकल आया है आजकल तो सुबह जल्दी धूप जो है ना वो निकल आता है फ्रेंड तो यहाँ पर मैं ना पहले तो हस्बैंड के लिए चाय बैठा दूँगी क्योंकि भले ही रिशांक का छुट्टी है बट हस्बैंड तो ऑफिस जाएंगे ही क्योंकि उनके डिपार्टमेंट में कोई छुट्टी नहीं कोई संडे नहीं कोई मंडे नहीं नो no सैटरडे कुछ नहीं सब दिन उनका जो ऑफिस है वो उनको जाना ही जाना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ तो सिर्फ पति देव के लिए चाय बनाएंगी तो फिर मैं सोची कि चलो एक कप और बना लूँगी अपने लिए क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा मुझे ना हेड हो रहा था तो यहाँ पर पहले तो मैं गर्म पानी कर लेती हूँ अपने लिए क्योंकि जैसा आप सभी को पता है कि मैं सुबह सुबह सबसे पहले गर्म पानी ही पीती हूँ तो कैटल में मैं लगा देती हूँ गर्म पानी और बस यहाँ पर मेरा जो काम है वो हो रहा है अच्छा किचन साफ़ सुथरा रहता है ना तो खाना बनाने और किचन में काम करने का मज़ा ही कुछ और रहता है जैसे आप देख सकते हैं मेरा किचन जो इतना नीट एंड क्लीन है तो काम करने का मज़ा ही जो है ना वो कुछ अलग आता है सो बस यहाँ पर मैं ट्रे को रख दी थी फिर मुझे याद आया कि अच्छा मुझे तो चाय भी रखना है अच्छा मैं एक बात और आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ रंजना आ गई थी काम करने सुबह सुबह चली गई आज का संडे है मैं उसको बोली थी थोड़ा आराम से आइएगा कोई हड़बड़ी नहीं है लेकिन फिर भी वो आज सुबह ना फ्रेंड बहुत ज़्यादा जल्दी आ गई थी आ, काम करने के लिए और मैं लेट से सोई थी और मेरा नींद नहीं खुल रहा था फिर भी मैं उठ के गेट वेट खोल के फिर जो बर्तन वर्तन था धोने के लिए उसको दे दी थी तो बस यहाँ पे चाय हमारा रेडी हो रहा है तब तक मैं बिस्किट निकाल लेती हूँ यहाँ पे देने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे जो बिस्किट है वो निकाल लेते हैं उसको बिस्किट जो है दे, दे देंगे आ, मतलब हस्बैंड थोड़ा सा बिस्किट खाते हैं कभी कहार एक दो और मैं खा लेती हूँ रिशांक खाता है तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्लीज़ रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा अच्छा यहाँ पे मैं दो ग्लास में आजकल मैं डेली कुछ नया ले रही हूँ सो आप लोग के साथ वो शेयर कर देती हूँ चिया सीड्स मैं ले रही हूँ चिया सीड्स एक चम्मच एक ग्लास में रखती हूँ एक चम्मच एक ग्लास में रखती हूँ और उसमें पानी डाल के पंद्रह से बीस मिनट में उसको थोड़ा सा भिगो के रख देती हूँ उसके बाद एक गिलास जो है मैं पी लेती हूँ और हस्बैंड भी पी लेते हैं तो अभी चाय पीने के बाद हस्बैंड का रूटीन है कि हस्बैंड ये जरूर पीते हैं मैं भी पीती हूँ बहुत इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स हैं मैं तो अभी स्टार्टिंग में ही पी रही हूँ तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स मुझे होंगे ये मैं आप लोगों के साथ जब मुझे होगा बेनिफिट्स तो शेयर करूंगी क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ है इसको लेते हुए तो इसलिए ज़्यादा कुछ इसके बारे में भी नहीं बता पाऊंगी जब तक मैं इसको एक्सपीरियंस ना कर लूँ कि क्या कैसे है तो अभी लगभग एक हफ़्ते हुआ है जब मैं इसको पी रही हूँ तो बस यहाँ पे चाय जो है हमारा रेडी हो गया और मुझे ब्लैक कप बहुत सुंदर लग रहा है देख सकते हैं कप ब्लैक है ट्रे भी ब्लैक रहता तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता उसके बाद चाय वाय करने पीने के बाद सब कुछ करने के बाद हस्बैंड नाश्ता भी कर लिए थे ब्रेकफास्ट भी जो तो फ्रूट्स था वो खा लिए थे तो यहाँ पर थोड़ा सा घी और सरसों तेल डाली हूँ और उसमें मैं चावल जो है ना फ्राई करूँगी यहाँ पर मैं थोड़ा सा जीरा डाली हूँ लहसुन डाली हूँ और हरी मिर्च डाली हूँ और एकदम पतला पतला सा मैं ना प्याज काट ली हूं। तो ये से ना बहुत अच्छा लगता है तो हम आज ना और इसमें चावल में ना मटर डाल के फ़्राई करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है चावल मैं बना के फ्रेंड रख ली हूँ पहले से ही ऐसे आप इसको प्रोसेस कुकर में भी बना सकते हैं लेकिन कुकर में कभी कल होता है गलवल जाता है इस वजह से तो आप ऐसे चावल को इस तरीके से बना सकते हैं तो पहले मैं चावल बना ली थी फिर मुझे लगा कि अच्छा इस तरीके से कर लेते तो मटर मैं ना छील के ना एक टिफ़िन में हमेशा रखी रहती हूँ जिससे मुझे बार बार मटर छीलने की ज़रूरत नहीं होता है तो इस तरीके से देख सकते हैं तो मैं मटर डाल के इस को अच्छे से फ्राई करूँगी इसमें मैं ऐड कर दूँगी नमक हल्दी और इसको थोड़ा सा ढक ढक के पकाएंगे आप और भी मसाले ऐड कर सकते हैं लेकिन मुझे ना ज़्यादा मसाला खाने का अभी मन नहीं कर रहा था मुझे कुछ हल्का फल्का सा खाने का मन कर रहा था इस वजह से मैं ज़्यादा मसाला नहीं ऐड की हूँ और हस्बैंड को भी थोड़ा सा हल्का ही कुछ खाने का मन कर रहा था सो देख सकते हैं काफ़ी ईजी बन जाता है और ये मेरा आज का लंच है जो काफ़ी सुपर डुपर यमि था फ्रेंड क्योंकि खाने के बाद ही मैं एडिटिंग का प्रोसेस जो है वो कर रही हूँ आप लोग के साथ सो यहाँ पे देख सकते हैं आम, बस ये अच्छे से मटर जो है ना हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है कि मटर पक जाए मतलब मटर पकने के बाद ही हमें ढक ढक के मटर को पका के भुनना है धीमी आंच में उसके बाद आपको जो राइस जो आपने बनाया है फ्रेश राइस वो उसको आप इसमें डाल दीजिए और उसके बाद इसको दो से तीन मिनट अच्छे से चला लीजिए और अच्छे से उनके साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए उसके बाद जो टेस्ट आता है ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है मटर के साथ मटर वेज राइस बहुत टेस्टी बना था और हस्बैंड को भी लंच में मैं ये यही भेजने वाली हूँ इसके साथ कुछ और भेजूंगी सो चलिए मैं आप लोग के साथ पहले वो शेयर करती हूँ पहले बताइए कितना अच्छा कलर भी कितना सुंदर लग रहा है ना खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी था अच्छा अगर आपके पास नींबू हो धनिया पत्ता हो तो वो ऐड कर लीजिएगा मेरे पास नींबू भी नहीं था नहीं तो मैं इसमें थोड़ा सा नींबू डालती धनिया पत्ता डालती धनिया पत्ता भी ना खत्म हो रखा था वो भी नहीं था सब्जी का स्टॉक मेरा ख़त्म होने वाला है सो यहाँ पे देख सकते हैं नया टिफ़िन का आज उद्घाटन हो रहा है तो यहाँ पर दही डाल दी हूँ और मटर वेज राइस डाल दी हूँ और इसमें थोड़ा सा सैलेड काट के नमक छिड़क के ये हस्बैंड का लंच जो है वो मैं पैक कर दूँगी ये हस्बैंड का मैं आ, लंच बॉक्स जो है ना नया ली हूँ आप लोगों के साथ में शेयर भी की थी मुझे बहुत अच्छा लगा इसका डिज़ाइन उजाइन बहुत ही मतलब परफेक्ट है सो so, चलिए ये सब काम होने के बाद कपड़ा जो है थोड़ा सा कपड़ा सुबह में मैं मॉर्निंग में रिशांक का स्कूल ड्रेस जो है ना वो धुलने के लिए रख दी थी क्योंकि संडे को ही मैं उसका जो भी स्कूल ड्रेस होता है ना वो धोती हूँ अब बीच में एक दिन अगर गंदा लगे मुझे तो धो देती हूँ और वाइट वाला तो धोना ही धोना है क्योंकि बुधवार के दिन जब वो आता है तो पूरा गंदा कर देता है ड्रेस तो मुझे धोना ही होता है तो उसके बाद जो कपड़े थे उसको निकालने के बाद जो कपड़े हुए वो सारे कपड़े को मैं लगा दी हूँ मशीन में तो मशीन में कपड़े जब तक धुलेंगे तब तक मैं आ, बाकी का जो काम है वो कर लूँगी मेरा नहाना धोना ये सब जो काम है ये सब काम जो मेरा है वो हो जाएगा तो बस यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा काम जो है ये कंप्लीट हो चुका है तो जो कपड़े मैंने धोया है पहले उसको मैं लगा रख देती हूँ धूप में क्योंकि धूप अच्छा खासा सा हो रखा है एकदम करा वाला धूप हो रखा है तो यहाँ पे मैं इस तरीके से सब कुछ कपड़े जो है वो डाल देती हूँ और आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करिएगा फ्रेंड और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और वीडियो को देखा कीजिए वीडियो पर काफ़ी कमव्यूज़ आजकल हो गए हैं पता नहीं क्यों क्या ही आप लोग को पसंद नहीं आ रहा है ब्लॉग्स की क्या हो रहा है मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है बस इतना कहना चाहती हूं मुझे आप लोगों की, की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अच्छा चलिए अब मैं अपनी लंच की तैयारी कर ली तो मटर वेज राइस तो है ही उसके साथ मैं बना ले रही रायता रायता क्योंकि मुझे रायता जो है ना बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन मेरे पति पसंद नहीं है इसी वजह से मैं उनको सिंपल सा दही देती हूँ और अपने लिए खीरे की रायता जो है मैं बना लेती हूँ खीरे की रायता बनाना बहुत ईजी है खीरे को ऐसे घस के उसमें दही ऐड कर देना उसके बाद रायते का मसाला काला नमक थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर चीनी ये सब ऐड करके धनिया पत्ता भी आप ऐड कर सकते हैं और इसको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है हमारा रायता जो है वो रेडी हो चुका है मुझे रायता ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है लेकिन पति देव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो मैं क्या करती हूँ कि उनको ना सिंपल से दही दे देती हूँ और मैं रायता ले लेती हूँ अपने लिए तो खीरे का रायता मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे बहुत टेस्टी लगता है खीरे का रायता सो so, चलिए पहले मैं ये खा हुआ लेती हूँ क्योंकि आज मैं नहाने से पहले इसलिए ऐसे तो संडे के दिन हमारे में बिना नहाए खाया नहीं जाता है लेकिन मेन चीज़ है कि मुझे मेडिसिन लेना था बीपी वाला मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है तो मुझे दवाई खाना था तो मुझे खाना खाना ज़रूरी था इस वजह से नहीं तो संडे को बिना नहाए बाल में सिंदूर लगाए हमारे में खाया नहीं जाता है लेकिन जब आप बीमार हैं तो क्या कर सकते हैं तो नहाने में आ ही रही थी तो नहाने से पहले मैं न जो भी वाशरूम बड़ा गंद होग रखा था मुझे आ, मतलब पीरियड के टाइम पे मैं वाश नहीं बाहियर वाश नहीं करना था तो अभी मुझे आज करना है हेयर वाश तो मैं सोची कि चलो इसको अच्छे से जो है ना पूरे वॉशरूम को डीप क्लीनिंग कर देती हूँ बाथरूम को बहुत अच्छे से बाथरूम को डीप क्लीनिंग कर देती हूँ तो बाथरूम साफ लगेगा और एक एक बात बताती हूँ बाथरूम गंदा रहेगा ना तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा मेरे बाथरूम में दो सीट है एक ये ऊपर वाला सीट देख रहा है एक नीचे वाला सीट है तो नीचे वाला सीट देखने में तो काफ़ी अच्छा चलो ऊपर नीचे दोनों ही सीट है लेकिन धोने में ना दोनों को ही धोना ना मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो बस यहाँ पे पाँच मिनट लगा सबका क्लीनिंग हो गया गंदे बाथरूम गंदे घर में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है फ्रेंड्स तो देख सकते हैं मेरा बाथरूम जो है काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया है और अभी जो इसका फर्श है उसको जो है मैं फ्लो, फर्श फ्लोर है वो उसको मैं अच्छे से क्लीन जो है ना वो कर लूँगी तो दोनों का फ्लैश मैं चला दी हूँ जैसे कि जो भी थोड़ा बहुत सा बचा होगा वो साफ हो जाएगा सो मैं आपको पता ही जैसा कि हम लोग में संडे के दिन ना बा मतलब कि नहा के ही खाते हैं क्योंकि संडे हो ट्यूसडे हो मतलब संडे हो ट्यूसडे हो तो सिंदूर लगाते हैं ना तो खा मतलब नहा के ही खाते हैं लेकिन मेरे साथ मजबूरी था कि मुझे दवाई खाना था इस वजह से मैं ना खाना जो है वो खा के उसके बाद मैं बाकी काम जो है वो कर रही हूँ क्योंकि देखिए जब आपका शरीर ठीक नहीं है ना तो फिर आपका कोई साथ नहीं देने वाला है ना तो इस वजह से अपने हेल्थ का ध्यान हमें खुद ही रखना पड़ता है तो अभी ये सब काम करने में मुझे लगभग आपको तो वीडियो 12 मिनट 10 मिनट का वीडियो मिलता है तो आपको लगता है काम इतने ही देर में हो जाता है जी नहीं काम में काफ़ी टाइम लगता है और ये बाथरूम ही धोने में मुझे आधे घंटे से 45 मिनट फ्रेंड लग गया जबकि मैं टाइल्स नहीं धोई थी जो उसका जो मार्बल लगा हुआ है साइड साइड में वो मैं नहीं धोई थी वो किसी और दिन में धो लूँगी आज मैं बाल धोने वाली हूँ इसीलिए ये पूरा बाथरूम जो है मैं डीप क्लिन कर दी हूँ सो आप लोग वीडियो में नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसके बाद मैं अपना बाल वाल धो के नहा लूँगी और आप लोग से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड और आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट कीजिएगा और प्लीज जो लोग चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब जरूर कीजिए बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखना बहुत ज़्यादा गलत बात है तो बस यहाँ पर हेयर वॉश करके नहाने के बाद जो आप लोग को ब्लॉगिंग दिखेगा वो फिर से मैं ब्लॉग जो है स्टार्ट कर लूँगी आजकल तो मैं दिन भर ब्लॉगिंग ही करते रहती हूँ दो दो चैनल पे सो एक एक पल का आप लोग को रिपोर्ट जो है ना मिलते रहता है सो चलिए फ्रेंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माइक वीडियो अपना ध्यान रखिएगा ख्याल रखिएगा हंसते रहिएगा मुस्कुराते रहिएगा और चैनल को मेरे सपोर्ट ऐसे ही करते रहिएगा और अपना प्यार जो है बना के रखिएगा मिलती हूं आप लोग के साथ नेक्स्ट